इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में खेले जाने वाले फर्स्ट ओडीआई मैच के बारे में। जैसे हमने दोनों ही टेस्ट मैचेस अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया, वन साइडेड विन किया, रिजल्ट आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इस मैच से रिलेटेड आपको हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जिसकी हेल्प से आप खुद से बेस्ट स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन बना शानदार अमाउंट विनिंग कर सकते हैं। मुकाबला खेला जाएगा कैनसिंगटन ओवल बारबाडोस के अंदर 27 जुलाई को भारतीय समयानुसार 7 PM पे। और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, बहुत कुछ आप मिस कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जरूर से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। इस मैच का फाइनल स्मॉल लीग टीम, ग्रैंड लीग टीम, टॉस रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, बैटिंग ऑर्डर, बाउंड्री साइज, हर वो छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन जो कि यूट्यूब पे कवर कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, टेलीग्राम चैनल पे फास्टेस्ट अपडेट आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी मदद से लगातार हमारे मेंबर्स ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग क्लीन स्वीप कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। पिच रिपोर्ट की बात करें, पिच बिल्कुल न्यू और फ्रेश रहेगा। पिच की बिहेवियर की बात करें तो न्यूट्रल और बैलेंस्ड विकेट यहां की होती है। बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को पिच से बराबर की मदद देखने को मिलती है। न ज़्यादा हमें हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिलता है, न ही ज़्यादा हमें लो स्कोरिंग गेम देखने को मिलता है। इंडिया पहले बल्लेबाजी करेगी, 250 to 300 आपको रन बनते हुए देखने को मिलेंगे। वेस्ट इंडीज़ अगर पहले बैटिंग करेगी, 200 to 250 आपको रन बनते हुए दिखेंगे। लास्ट टाइम जब यहां पर सीरीज खेला गया था तो पिच काफ़ी ज़्यादा ड्रायर साइड पे था, जिसके कारण स्पिनर्स गेंदबाज को अच्छा खासा टर्न और विकेट से ग्रिप देखने को मिल रहा था। साथ में यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक्स्ट्रा बाउंस, जो कि कई बार बैट्समैन के पक्ष में जाता है तो कई बार यहां पर बॉलर्स के पक्ष में जाता है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो क्वालिटी बैट्समैन, स्पिनर्स एंड कटर बॉलर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग स्कोर कार्ड का कंपैरिजन करें, जो लास्ट मैच यहां पर खेला गया था उसके अंदर फर्स्ट इनिंग के अंदर 301 रन बने थे, 8 विकेट्स यहां पर फॉल हुआ था। सेकंड इनिंग्स के अंदर टारगेट चेंज हो गया और 5 विकेट से इस मुकाबले को टीम ने विन किया। उससे पहले जो मुकाबला खेला गया तो वहां पर 212 बने थे और टीम ऑल आउट हो गई थी और ये टारगेट चेंज नहीं हो पाया था। सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम 161 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। उससे पहले जो मैच खेला गया था अगेन एक लो स्कोरिंग गेम था, 190 पे टीम ऑल आउट हो गई और टारगेट को चेज करने वाली टीम यहां पर विन कर गई 5 विकेट से। उससे पहले एक बार फिर से यहां पर लो स्कोरिंग गेम हमें देखने को मिला, 152 पे टीम ऑल आउट हो गई पहले बल्लेबाजी करते हुए, और सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम अगर फिर से मुकाबले विन कर लेती है, उससे पहले अगर फिर से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ऑल आउट हो जाती है 187 पे, एंड सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम अगर फिर से मुकाबले विन कर लेती है, उससे पहले अगर आप देखोगे तो फ्रेंड्स 252 बने थे फर्स्ट इनिंग के अंदर और सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम फ्रेंड्स इस टारगेट को चेज नहीं कर पाती है। सो अगर मैं ओवरऑल बात करूं पिछले 6 मैचेस की डाटा की, तो पिछले 6 मैचेस के अंदर 2 बार फ्रेंड्स यहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और 4 बार सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। एक और चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्रेंड्स हमें ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम देखने को नहीं मिले हैं। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो फ्रेंड्स यहां पर मोस्ट ऑफ द मैचेस के अंदर हमें लो स्कोरिंग गेम देखने को मिला है। तो आप लोग बिल्कुल बॉलर को अवॉइड ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स इस मैच के अंदर अगर इंडिया पहले बॉलिंग करेगी तो हाई चांस वेस्ट इंडीज़ की टीम को ऑल आउट पक्का करेगी। तो उस कंडीशन में आप बॉलर को भी कैप्टन वाइस कैप्टन दे सकते हो। इस वेन्यू पे वेस्ट इंडीज़ की टीम टोटल 39 मैचेस खेली है, 17 मैचेस टीम विन किए, इनका होम ग्राउंड है। इंडिया का रिकॉर्ड यहाँ पर उतना अच्छा नहीं है, 3 मैचेस के अंदर इंडिया ने 1 मैच विन किए हैं और 2 मैच फ्रेंड्स इंडियन टीम यहाँ पर हारी है। बाउंड्री साइज ग्राउंड डायमेंशंस की बात करें, स्ट्रेट बाउंड्री डाउन द टाउन आपको 76 मीटर देखने को मिलेगा, स्क्वायर बाउंड्री ऑफ और लेग साइड के 66 एंड 70 मीटर देखने को मिलेगा, लॉन्ग ऑफ एंड लॉन्गन बाउंड्री आपको 76 एंड 78 मीटर देखने को मिलेगा। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें, खेले गए लास्ट के 6 मैचेस के अंदर पेसर्स गेंदबाज को मिले 56 विकेट, फर्स्ट इनिंग के अंदर 28, सेकंड इनिंग्स के अंदर 28, कोई आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। स्पिनर्स गेंदबाज को इन 6 मैचेस के अंदर मिले 40 विकेट्स, फर्स्ट इनिंग के अंदर 29, सेकंड इनिंग्स के अंदर 11 विकेट्स, तो यहां पर आपको मैसिव डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। स्पिनर्स गेंदबाज को स्पेशली यहां पर सेकंड इनिंग्स के अंदर काफी ज्यादा फ्रेंड्स यहां पर स्ट्रगल करना पड़ता है विकेट्स निकालने के लिए, ऑल्दो फ्रेंड्स विकेट और ज्यादा फ्रेंड्स यहां पर स्लो हो जाता है, विकेट और ज्यादा यहां पर स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल हो जाता है
रहता, फिर भी यहाँ पर विकेट्स इसलिए नहीं मिले बिकॉज ड्यू फैक्टर रहता है सेकंड इनिंग्स के अंदर। तो जो भी टीम इस मुकाबले के अंदर टॉस विन करेगी पहले यहाँ पर बॉलिंग करना प्रेफर करेगी बिकॉज यहाँ पर टारगेट को चेज करना थोड़ा आसान है कंपेरिजन टू बैट फर्स्ट करना। राइट आर्म फास्ट बॉलर ने यहाँ पर 34 विकेट्स निकाले, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को 22 विकेट्स मिले, राइट आर्म ऑफ स्पिनर गेंदबाज को 8 विकेट्स मिले, लेग ब्रेक स्पिनर गेंदबाज को 15 विकेट्स एंड लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर गेंदबाज ने यहाँ पर 17 विकेट्स निकाले। लास्ट मैच खेला गया था 21st अगस्त 2022 को बिटवीन वेस्ट इंडीज एंड न्यूजीलैंड। इस मैच के अंदर 9 विकेट्स मिले थे पेसर्स गेंदबाज को एंड 4 विकेट्स मिले थे स्पिनर्स गेंदबाज को। तो आप लोग डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हो इस मैच के अंदर फ्रेंड्स यहाँ पर डबल से भी ज़्यादा विकेट पेसर्स गेंदबाज ने निकाले थे स्पिनर्स गेंदबाज की कंपैरिजन में। हालांकि अगर आप ओवरऑल डाटा को कंपैरिजन करोगे तो ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। सो इस मैच के अंदर आपको स्पिनर्स और पेसर्स दोनों को इक्वली ट्रीट करना है। हालांकि फाइनल पिच रिपोर्ट के लिए टेलीग्राम पर आप ज़रूर एक्टिव रहिएगा, टेलीग्राम पर अभी नहीं जुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर आप वहाँ पर जुड़ जाएं। ग्राउंड स्टैट्स की बात करें टोटल 44 मैचेस ओडीआई के अंदर यहां पर खेले गए। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 19 मैचेस विन की, सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम 25 मैच विन की। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 235 रहा। हाईएस्ट स्कोर यहां पर वेस्ट इंडीज की टीम बनाई है 360, लोएस्ट स्कोर आयरलैंड की टीम 91। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें जो टोटल में 44 मैचेस यहां पर खेले गए अगर आप इसकी पैटर्न देखोगे तो 200 से नीचे 13 टाइम्स स्कोर बने, 200 टू 250 12 टाइम्स स्कोर बने, 250 टू 300 14 टाइम्स स्कोर बने एंड 300 प्लस ओनली 5 टाइम्स स्कोर यहां पर बने हैं। वेदर रिपोर्ट की बात करें क्लियर स्काई शनि वेदर रहेगा, बारिश के इस मुकाबले के अंदर बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। दोनों टीमों के बीच में टोटल में 139 मैचेस यहां पर खेले गए अब तक के ओडीआई हिस्ट्री के अंदर। इंडिया की टीम ने 70 मैचेस विन की, वेस्ट इंडीज की टीम 63 मैच, 2 मुकाबला टाई रहा एंड 4 मुकाबला नो रिजल्ट रहा। लास्ट के 5 ओडीआई मैचेस की बात करें जब दोनों टीम आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट खेले सभी मैचेस के अंदर फ्रेंड्स यहां पर इंडियन टीम ने जीते पांचों के पांचों मैच। एक भी मैच यहां पर लास्ट के 5 मैच में वेस्ट इंडीज की टीम नहीं विन कर पाई अगेंस्ट इंडियन टीम। टीम न्यूज अपडेट्स की बात करें इंडिया के तरफ से मुकेश कुमार फ्रेंड्स इनका डेब्यू हो सकता है इस सीरीज के अंदर। संजू सैमसन को वापस फ्रेंड्स यहां पर स्क्वाड के अंदर शामिल किया गया है। शार्दुल ठाकुर इंजर्ड है तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि शार्दुल ठाकुर सेकंड ओडीआई मैच से अवेलेबल रहेंगे, फर्स्ट ओडीआई मैच के अंदर चांसेस बहुत है कम खेलने के उनके, तो रिप्लेसमेंट के तौर पर अक्षर पटेल हो सकता है कि आपको खेलते हुए दिखें। वेस्ट इंडीज टीम की न्यूज़ की बात करें बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के यहाँ से आ रही है, जेसन होल्डर एंड निकोलस पूरन दोनों ही प्लेयर अनअवेलेबल है। ये दोनों ही प्लेयर फ्रेंड्स आपको बता दो यहाँ पर अलग अलग जो लीग्स चल रहे हैं जैसे MLC T20 चल रहे हैं, ग्लोबल कैनेडा T20 चल रहा है तो वहाँ पर ये दोनों प्लेयर खेल रहे हैं। अकील शेन ये भी अनअवेलेबल है। शमरा ब्रुक्स को यहाँ पर स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। कीमो पॉल फ्रेंड्स यहाँ पर इंजर्ड है। शिमरन हेटमायर को काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर स्क्वाड के अंदर शामिल किया गया है। ओशेन थॉमस को फ्रेंड्स यहाँ पर वापसी मिली है टीम के अंदर। जेडन शेल्स यानी कैरिया और गुडा किस्मोती तीनों ही प्लेयर फ्रेंड्स इंजरी से जूझ रहे थे बट अभी फुली फिट है और इस सीरीज के अंदर अवेलेबल है। वेस्ट इंडीज टीम की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें यहां से आपको ओपनिंग करते नजर आएंगे ब्रेंडन किंग काइल मेयर्स के साथ, नंबर 3 पर एली केथानजे, नंबर 4 पर शाई होप जो कि टीम की तरफ से कैप्टेंसी प्लस विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे, नंबर 5 पर शिमरन हिटमायर, नंबर 6 पर रोमन पवेल, नंबर 7 पर रोमारियो शेफर्ड, एलजारी जोसेफ, केविन सिंक्लेयर, गुडा किस्मोती एंड ओशेन थॉमस। टीम इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें यहां से आपको रोहित शर्मा शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पर संजू सैमसन, नंबर 6 पर हार्दिक पंड्या टीम की तरफ से वाइस कैप्टेंसी करते हुए आपको नजर आएंगे, रविंद्र जडेजा, जयदेव उनादकट, कुलदीप यादव, यूजी चहल एंड मोहम्मद सिराज। अब डिस्कस करते हैं वेस्ट इंडीज टीम के बारे में। शाई होप जो कि फ्रेंड्स आपको टीम की तरफ से कैप्टेंसी विकेट कीपिंग और मिडिल ऑर्डर के अंदर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। अगेंस्ट इंडिया 46 की एवरेज से 23 मैचेस के अंदर 877 रन इन्होंने किए। ग्राउंड पर इनके रिकॉर्ड ज्यादा अच्छे तो नहीं है बट फिर भी ठीक है, 10 मैचेस के अंदर 296 रन किए 30 की एवरेज से। करियर रिकॉर्ड बहुत ज्यादा डिसेंट है, 50 की एवरेज से इन्होंने 115 मैचेस के अंदर लगभग 5000 के आसपास रन किए हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो इन्होंने जो ODD मैचेस खेले फ्रेंड्स उसके अंदर आप देख सकते हो वहां पर भी इनके परफॉर्मेंस अच्छे रहे हैं और ODI मैचेस की बात करें तो वहां पर भी फ्रेंड्स काफी अच्छे परफॉर्मेंस इनके देखने को मिल जाएंगे। तो
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है वेस्ट इंडीज़ टीम के लिए। टेक्निकली साउंड बल्लेबाज है, लॉन्ग फॉर्मेट के काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं। वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर फ्रेंड्स इनके रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, चाहे इंडिया के अगेंस्ट देख लो, रिसेंट फॉर्म देख लो, ग्राउंड पर देख लो। तो शाई होप आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर आपको लगता है कि इस मैच के अंदर वेस्ट इंडीज़ की टीम रेजिस्टेंस दिखा पाएगी तो उस कंडीशन के अंदर आप लोग शाई होप को कैप्टन और वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो, बिकॉज विकेट कीपिंग से भी आपको ये बैकअप देते हुए नजर आएंगे। रोमन पवेल की बात करेंगे, हेड टू हेड के अंदर इन्होंने 10 मैचेस खेले, ओनली 143 रन्स कर पाए, बहुत कुछ बड़ा नहीं कर पाए। उसके एक बहुत बड़ा रीज़न है कि फ्रेंड्स ये बैटिंग करते हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर, और मिडिल ओवर्स के अंदर आपको बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे यूजी चहल और कुलदीप यादव। स्पिन के सामने रन भी बनाते हैं, लेकिन फ्रेंड अगर मैं चहल और कुलदीप के सामने बात करूं तो इनका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा खराब है, जिसके कारण ये अभी तक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए अगेंस्ट इंडियन टीम। ग्राउंड पर अभी तक इन्होंने कोई भी मैचेस नहीं खेला है। करियर रिकॉर्ड भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा खराब है, 22 का ओनली एवरेज है। रिसेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो एक आपको मैच देखने को मिलेगा जिसके अंदर इन्होंने डोमेस्टिक लेवल पर 105 रन किए थे, इसके अतिरिक्त और कोई भी मैच के अंदर ये कुछ खास बड़ा नहीं कर पाए। पिछले अगर आप 10-11 मैचेस उठाकर देखोगे तो सिर्फ एक बार ये ड्रीम टीम का हिस्सा रहे हैं। तो फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट पिक नहीं है, इनसे आप लोग दूरी बना करके चलिए। एलिक एथंजे की बात करें तो ये प्लेयर आपके लिए एक डिफरेंशियल प्लेयर निकल करके आ सकता है। सिलेक्शन परसेंटेज आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, टेस्ट मैचेस के अंदर अच्छे टच में दिखे थे, हालांकि स्टार्ट मिला था बड़ी पारी में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। रिसेंट फॉर्म मैं कह सकता हूँ इनके काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखोगे इनके रिकॉर्ड ओडीआई के अंदर तो सिर्फ एक ही मैच खेले आज तक अपने पूरे करियर के अंदर, उसके अंदर 65 के स्कोर किए। हेड टू हेड प्लस ग्राउंड पर अभी तक इन्होंने कोई भी मैच नहीं खेला है। एज अ प्लेयर आप अपने फैंटेसी टीम के अंदर कंसिडर कर सकते हो। सिमरन हेटमायर अगेंस्ट इंडिया 12 मैच के अंदर इन्होंने 45 के एवरेज से 500 रन्स किए, इस ग्राउंड पर इन्होंने 6 मैच खेले 155 रन्स किए 30 के एवरेज से। करियर के अंदर 35 के एवरेज से 47 मैच के अंदर 1447 रन्स किए। रीसेंट फॉर्म की बात करें तो थोड़ा सा इनका रीसेंट फॉर्म कंसर्न है, इंडियन टीम अगेंस्ट खेलना बहुत ज़्यादा इनको पसंद है, इंडिया के अगेंस्ट ये सेंचुरी भी जड़ चुके हैं, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। लेकिन कुछ ग्रैंड लीग्स टीम में इनको ज़रूर आप ड्रॉप करने का रिस्क लीजिएगा, बिकॉज थोड़ा सा फॉर्म इनका गड़बड़ है और इंडियन बॉलिंग लाइनअप स्पेशली मिडिल ओवर्स के अंदर काफी ज्यादा फ्रेंड्स आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपको देखेंगे ब्रेंडन किंग, हेड टू हेड के अंदर इन्होंने 6 मैच खेले 141 रन्स किए, इस वेन्यू पे इन्होंने 4 मैच खेले ओनली 23 रन्स ये कर पाए हैं। करियर एवरेज इनका 33 करा है। सबसे अच्छी बात है इनका रीसेंट फॉर्म इनका काफ़ी ज़्यादा शानदार है, लेकिन क्या ये विद द न्यू बॉल फ्रेंड्स यहाँ पर टिक पाएंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो अगर पिच पे फ्रेंड्स ग्रास होता है, पिच पे फ्रेंड्स अगर मॉइस्चर होता है, पेसर्स गेंदबाज के लिए पिच हेल्पफुल होता है, सो उस कंडीशन में ब्रेंडन किंग को आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर पिच बैटिंग के लिए स्टार्टिंग में अच्छी होती है तो डेफिनेटली आप अपने फैंटेसी टीम के अंदर इनको कंसिडर कर सकते हो। रिसेंटली फ्रेंड्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने किया है। काइल मेयर्स की बात करें, हेड टू हेड के अंदर 3 मैच के अंदर 114 रन इन्होंने किए हैं, इस ग्राउंड पर 3 मैच के अंदर 111 रन इन्होंने किया। करियर एवरेज इनका 27 का है। बैटिंग के साथ साथ आपको बॉलिंग भी करते हुए नजर आएंगे, और मैं कह सकता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर इंडियन टीम में आपको कोई भी ऑफ स्पिनर गेंदबाज देखने को नहीं मिलेगा, जो भी प्लेयर आपको प्लेइंग 11 के अंदर खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये बैटिंग से भी आपको वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, प्लस बॉलिंग भी आपको पार्ट टाइम करते हुए नजर आएंगे, तो इनका रोल इंपॉर्टेंट है, ये आपके टीम में होनी चाहिए, आप डेफिनेटली इनको अपनी टीम में लेकर के चलिए। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेंगे रोमारियो शेफर्ड, हेड टू हेड के अंदर 2 मैच इन्होंने खेला, 53 रन किए, 2 विकेट्स निकाले, इस वेन्यू पे 1 मैच खेले 0 विकेट। ओडीआई का करियर एवरेज अगर आप इनका देखोगे 22 मैच के अंदर 15 विकेट्स 275 रन किए बल्ले से 18 की एवरेज से। रीसेंट फॉर्म की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा फ्रेंड्स इनकन्सिस्टेंट है, किसी मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो किसी मैच में बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस है, लेकिन इनके पास एक एक्स्ट्रा एबिलिटी ये कि फ्रेंड्स बैटिंग अच्छा कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए बॉलिंग से कुछ ज़्यादा खास ना कर पाए तो बैटिंग से आपको 20-30-40 रन्स के आसपास ये करके दे सकते हैं, तो इनका भी रोल इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप कंसिडर करके चलिए एज अ प्लेयर अपने फैंटसी टीम में। डोमिनिक ड्रैक्स की बात करें, हेड टू हेड प्लस वेन्यू पे अभी तक इन्होंने कोई भी मैच नहीं खेला, ये है लेफ्टा मीडियम पेशर, इसको आप अवॉइड कीजिएगा, ये लेफ्टा मीडियम पेशर है। करियर के अंदर 2 मैच खेले ओडीआई के अंदर, 2 विकेट निकाले। रीसेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ओडीआई के अंदर आप देख सकते हो 2 मैच खेले, एक में विकेट लेस ने और एक में 2 विकेट निकाले, बाकी टी20 के अंदर अच्छे परफॉर्मेंस इन्होंने किए हैं, इसी कारण फ्रेंड्स इनको टीम में जगह मिला है, और ये है लेफ्टा मीडियम पेशर। मैं आपको बताना चाहूंगा जो इंडियन लाइनअप है मोस्टली बल्लेबाज आपको राइट हैंडर देखने को मिलेंगे,
तो वेस्ट इंडीज़ का एक तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर गेंदबाज और दूसरा लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज, यानी लेफ्ट आर्म बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन टीम को हमेशा परेशानी होती है लेफ्ट आर्म बॉलर के सामने। तो डोमिनिक ड्रेक्स इस मैच के अंदर आपके लिए हो सकते हैं सबसे बड़े गेम चेंजर प्लेयर फ्रॉम बॉलिंग सेक्शन वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। नेक्स्ट प्लेयर है एल्जारी जोसेफ, ये बहुत अच्छे फॉर्म में है और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ ये विकेट निकाल रहे हैं, तो इनका टीम में होना बहुत जरूरी है। इंडियन टीम के साथ इनका रिकॉर्ड भी देख सकते हो, 12 मैच के अंदर 20 विकेट्स निकाल चुके हैं, ग्राउंड पे काफी अच्छा रिकॉर्ड, इनसे द विकेट किसी ने भी नहीं निकाला है, मतलब इतना बेहतरीन स्ट्राइक रेट नहीं है। 9 मैच के अंदर 23 विकेट्स निकाले हैं, करियर एवरेज भी बहुत ही ज्यादा इनका डिसेंट है, रिसेंट फॉर्म भी इनका काफी ज्यादा शानदार रहा, तो ये तो बिल्कुल मस्ट पिक प्लेयर है, चाहे फर्स्ट बॉलिंग करे या फिर सेकंड बॉलिंग करे। बुडाकेश मोती आपके लिए गेम चेंजर प्लेयर है, डोमिनिक ड्रेक्स एंड बुडाकेश मोती ये दोनों ही प्लेयर आपके लिए गेम चेंजर होने वाले हैं। मैंने जैसे बताया इंडियन टीम में मोस्टली राइट हैंडर्स हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स लेफ्ट आर्म बॉलर का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। और इन्होंने फ्रेंड्स इंडिया के जब लास्ट टाइम खेले थे शानदार 2 विकेट निकाले थे, इस ग्राउंड पर अभी तक कोई भी मैच नहीं खेले हैं, करियर के अंदर काफ़ी अच्छे इनका रिकॉर्ड है, 4 मैच के अंदर 8 विकेट्स, और रीसेंट फॉर्म अगर आप इनका देखोगे तो रीसेंट फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएगा, स्पेशली 50 ओवर फॉर्मेट क्रिकेट के अंदर लगातार फ्रेंड्स इन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं और बैटिंग भी ये करना जानते हैं, तो बैटिंग से भी आपको 10-20 के आसपास यहाँ पर रन करके दे सकते हैं। जेडन शील्ड्स की बात करें, इनकी खेलने की पॉसिबिलिटी इस मैच के अंदर मुझे कम नजर आ रही, खेलते भी है तो मैं इनको उतना हाईली रेट नहीं करूंगा। 3 मैच खेले इंडियन टीम के अगेंस्ट, 1 विकेट निकाले हैं, ग्राउंड पर अभी तक कोई भी मैच नहीं खेले हैं, करियर एवरेज देखोगे तो वो भी उतना डिसेंट नहीं है, 7 मैच के अंदर 4 विकेट्स, रीसेंट फॉर्म भी मैं कहूंगा कि एवरेज से बिलो है, तो फिलहाल इनसे दूरी बनाकर चलिए। यानी कैरिया अनदर गेम चेंजर प्लेयर फ्रॉम वेस्ट इंडीज, अगर ये खेलते तो इनको भी आपको ट्राई करके चलना है। बुडाकेश मोती और यानी केरिया इन दोनों में से कोई एक ही प्लेयर खेलेगा, जो भी खेलेगा आप उसको अपने फैंटसी टीम आंख बंद करके ट्राई कर लीजिएगा, स्पेशली जब वेस्टइंडीज पहले बॉलिंग करे। हेड टू हेड के अंदर अभी तक कोई मैच नहीं खेले, ग्राउंड पर 3 मैच के अंदर 3 विकेट्स निकाले, करियर एवरेज 8 मैच के अंदर 9 विकेट्स, रीसेंट फॉर्म आप लोग देख लो, यहाँ पर 50 ओवर फॉर्मेट इन्होंने खेला था डोमेस्टिक लेवल पे, 2 मैच के अंदर 8 विकेट निकाल करके आ रहे, उससे पहले भी इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डिसेंट थी। तो बुडाकेश मोती एंड यानी केरिया प्लस डोमिनिक ड्रेक्स, ये तीन जो है प्लेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे फ्रॉम वेस्ट इंडीज। ओशेन थॉमस अगेंस्ट इंडिया 4 मैच इन्होंने खेले, 2 विकेट्स निकाले, इस वेन्यू पे 2 मैच के अंदर 2 विकेट्स, करियर एवरेज अगर आप देखोगे तो 20 मैच के अंदर 27 विकेट्स, रीसेंट फॉर्म इनके अच्छे हैं, लेकिन इंडियन टीम के सामने ज़्यादा ये इफेक्टिव होंगे नहीं, मुझे नहीं लगता कि फ्रेंड्स किसी भी इंडियन बल्लेबाज को इनसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तो फिलहाल इनसे दूरी बना करके चलिए। केविन सिंक्लेयर की बात करें, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, हेड टू हेड के अंदर अभी तक कोई मैच नहीं खेले, वेन्यू पे 3 मैच खेले, 5 विकेट्स निकाले, करियर के अंदर अपने 7 मैच के अंदर 11 विकेट्स निकाले, रीसेंट फॉर्म इनके देखोगे तो ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग इनका रोल इसलिए कम हो चुका बिकॉज इंडियन टीम में ना आपको लेफ्टी बल्लेबाज एक ही देखने को मिलेंगे, वो भी रविंद्र जडेजा, बाकी सभी के सभी राइट हैंडर्स है, तो हो सकता है कि इनको खेलने का मौका ही ना मिले। बुडाकेश मोती की खेलने की चांसेस इस मुकाबले के अंदर बहुत ज़्यादा हाई, खेलते भी है तो मैं शायद इनको प्रेफर ना करूं। चलते हैं इंडियन टीम की तरफ, यहां से आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे कैप्टन रोहित शर्मा, हेड टू हेड के अंदर काफ़ी शानदार इनका रिकॉर्ड है, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेलना बहुत पसंद है, कोई भी फॉर्मेट हो वेस्ट इंडीज़ के सामने इनके रिकॉर्ड देख लो, चाहे T20 आई, ODI या फिर टेस्ट देख लो, सभी में कमाल का रहता है। 57 का इनका बैटिंग एवरेज है, 36 मैचेस के अंदर इन्होंने 1600 प्लस रन किए, ग्राउंड पर अभी तक कोई मैच नहीं खेले, करियर के अंदर 48 का एवरेज है, लगभग फ्रेंड्स 10,000 के करीब है, हो सकता है इसी सीरीज के अंदर ये अपना 10,000 रन ODI के अंदर भी कंप्लीट कर ले, रीसेंट फॉर्म बहुत ज़्यादा शानदार है, तो यहाँ से फ्रेंड्स रोहित शर्मा ना सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे बल्कि कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी एक अच्छी चॉइस है। नेक्स्ट आपको देखेंगे ऋतुराज गायकवाड़ की खेलने की चांसेस थोड़े कम है, शुभमन गिल के थोड़े से ज़्यादा है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इन्होंने सिर्फ एक ही मैच अभी तक खेले हैं अपने ODI करियर के अंदर, उसके अंदर 19 रन किए हैं, लिस्ट ए के अंदर इनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, 61 का एवरेज है, रीसेंट फॉर्म भी बेहतरीन है, लेकिन चांसेस कम इनके खेलेंगे, खेलेंगे तो बिल्कुल मस्ट वीक है, लेकिन बहुत कम चांस है कि इनको मौका मिलेगा पहले मैच में। ईशान किशन का भी चांसेस काफ़ी कम नजर आ रहा है इस मैच में खेलने का, हेड टू हेड के अंदर 1 मैच खेले हैं, 28 रन किए हैं, वेन्यू पर अभी तक कोई मैच इन्होंने नहीं खेला है, रीसेंट फॉर्म अगर आप इनके देखोगे तो फ्रेंड टेस्ट मैच के अंदर आपको बता दूँ 50 प्लस स्कोर करके आ रहे हैं, फॉर्म तो ठीक है, करियर का एवरेज भी 43 का है, लेकिन बता दूं इस 43 के एवरेज में से एक मैच के अंदर बांग्लादेश के अगेंस्ट 200 प्लस रन किए थे, बाकी सारे मैचेस के अंदर बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा है, तो मैं कह सकता हूं ईशान किशन इस मुकाबले के अंदर एक तो खेलने की चांसेस नहीं है, दूसरा अगर खेलने की चांस होती भी है तो मैं इनको सजेस्ट आपको नहीं करूंगा, आप इनसे दूरी बना करके चलिएगा। नेक्स्ट आपको देखेंगे विराट कोहली,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं आपको नजर आएंगे, 67 का बैटिंग एवरेज, इनसे बेहतरीन रिकॉर्ड जब भी दोनों टीम आपस में दूसरे के अगेंस्ट खेली किसी का नहीं रहा है। 42 मैचेस के अंदर इन्होंने लगभग 2300 के आसपास रन किए, इस वेन्यू पर अभी तक कोई मैच नहीं खेले हैं, करियर एवरेज 57 का है, रीसेंट फॉर्म भी बहुत ज़्यादा शानदार है, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सबसे सेफ एंड बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होंगे। संजू सैमसन हाई चांस इनके इस मुकाबले के अंदर खेलने के, मिडिल ऑर्डर या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे, 3 मैच के अंदर 72 रन किए, इस वेन्यू पे अभी तक कोई मैच नहीं खेले हैं, थोड़ा सा दिक्कत है कि इनको कितना बैटिंग मिलेगा, और मैं कहूँगा इनको तभी ट्राई करना जब इंडिया पहले बैटिंग करे, सेकंड बैटिंग में हो सकता है कि इनको बैटिंग ना मिले, मिले भी तो काफी कम गेंदे खेलने का मौका मिले। रिसेंट फॉर्म इनके ठीक ठाक है, आईपीएल के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस किए थे, ओडीआई का करियर एवरेज देखो 67 का है, ज्यादा मौके इनको मिले नहीं, लेकिन एक बार फिर से इनको स्क्वाड के अंदर शामिल किया गया है, और होपफुली फ्रेंड्स आपको इस मैच के अंदर खेलते हुए नजर आएंगे। बैटिंग फर्स्ट अगर इंडिया टीम करती है तो सबसे बड़े गेम चेंजर हो सकते हैं बैटिंग डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट आपको देखेंगे शुभमन गिल जो कि ओपनिंग करते नजर आएंगे अलॉन्ग विथ रोहित शर्मा, हेड टू हेड के अंदर 3 मैच के अंदर 205 रन, 103 का बैटिंग एवरेज है, ग्राउंड पर अभी तक कोई मैच नहीं खेले हैं। रिसेंट फॉर्म अगर मैं बात करूँ तो टेस्ट के अंदर थोड़े से फ्रेंड्स इनके खराब परफॉर्मेंस थे, अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने नहीं किया है, लेकिन उससे पहले स्पेशली अगर मैं बात करूँ व्हाइट बॉल क्रिकेट की, आईपीएल देख लो, आईपीएल से पहले भी अगर न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज देख लो वहां पर भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, जब लास्ट टाइम वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट सीरीज खेले थे तो वहाँ पर भी इन्होंने परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा शानदार किए थे। तो शुभमन गिल फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी के लिए एक अच्छी चॉइस यहाँ से रहेंगे। सूर्य कुमार यादव ओडीआई क्रिकेट के अंदर अभी तक ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाए, 23 मैच इन्होंने खेला, 433 रन सिर्फ कर पाए 24 की बैटिंग एवरेज से, हेड टू हेड के अंदर 6 मैच खेले 134 रन किए, वेन्यू पे अभी तक कोई मैच इन्होंने नहीं खेला है। रिसेंट फॉर्म में बात करूँ तो आईपीएल के अंदर बहुत ज़्यादा शानदार था, लेकिन स्पेशली ओडीआई के अंदर अभी तक ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाए, तो मेरी ये यहां से टीम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे सूर्य कुमार यादव। मैं हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ पर संजू सैमसन को ट्राई कर लूँ बैट फर्स्ट में, बट सूर्य को मैं ट्राई नहीं करूंगा। अगर हाँ टी ट्वेंटी रहता तो ना सिर्फ टीम में तो बल्कि मेरे कैप्टन होते, लेकिन फॉर्मेट चेंज हो जाने से फ्रेंड्स यहाँ पर देखो मैं इस प्लेयर को टीम में ले भी नहीं रहा हूँ। तो यही आपको ध्यान रखना होता है, हर प्लेयर का जो पोटेंशियल होता है डिफरेंट फॉर्मेट में अलग अलग होता है। नेक्स्ट आपको प्लेयर देखने को मिलेंगे हार्दिक पांड्या, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 6 मैच खेले 70 रन किए 7 विकेट्स निकाले, ग्राउंड पे अभी तक कोई भी मैच नहीं खेले हैं, करियर एवरेज देखोगे तो 33 का है, प्लस 72 विकेट्स निकाले, रीसेंट फॉर्म भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। बैटिंग से थोड़ी मुझे उम्मीद कम है क्योंकि काफ़ी नीचे बल्लेबाजी करेंगे, नंबर 6 नंबर 7 पे पता नहीं कितना बैटिंग करने का मौका मिलेगा, बट बॉलिंग मुझे लगता है कि फर्स्ट मैच है तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको पूरे 10 ओवर करने चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से बॉलिंग से एक एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड ये करते हैं। रविंद्र जडेजा हेड टू हेड के अंदर 29 मैच खेले 41 विकेट्स निकाले हैं, 19 के एवरेज से 265 रन किए हैं, इस वेन्यू पे अभी तक कोई भी मैच नहीं खेले हैं। ओडीआई का करियर एवरेज देखो वो भी बहुत ज़्यादा आपको शानदार देखने को मिलेगा, और रिसेंट फॉर्म आपको बताने की जरूरत नहीं है, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करके ये आ रहे हैं। अक्षर पटेल खेलने की चांसेस इस मुकाबले के अंदर कम है, शार्दुल ठाकुर के रिप्लेसमेंट के तौर पर स्क्वाड के अंदर शामिल किया गया है, 4 मैच के अंदर 4 विकेट्स निकाले अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, 85 रन किए, ग्राउंड पर अभी तक कोई मैच नहीं खेले, करियर एवरेज मैं कह सकता हूं कि ठीक ठाक है, रिसेंट फॉर्म भी इनके सही था, व्हाइट बॉल क्रिकेट जो आईपीएल हो तो वहां पर इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन इस मैच में चांसेस बहुत कम इनके खेलने के। शार्दुल ठाकुर खेलेंगे नहीं, इंजरी इनको है, बाकी रिकॉर्ड इनके काफ़ी शानदार है देख सकते हो आप लोग, रिसेंट फॉर्म भी इनके मैं कहूँगा ठीक ठाक है। नेक्स्ट आपको प्लेयर देखने को मिलेंगे यूजी चहल, ये मस्ट पिक प्लेयर है, ठीक है, ये मस्ट पिक प्लेयर, इसको ड्रॉप मत करना, 10 मैच के अंदर 20 विकेट्स निकाल चुके हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, ग्राउंड पर अभी तक कोई मैच नहीं खेले, करियर रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा शानदार है, रिसेंट फॉर्म भी मैं कहूँगा कि ठीक ठाक है, इस मैच के अंदर 2-3 विकेट पक्का निकालते आपको नजर आएंगे। मोहम्मद सिराज व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर या फिर रेड बॉल क्रिकेट देख लो, पिछले 1-2 साल में किसी गेंदबाज ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया तो है मोहम्मद सिराज, स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं, चाहे इंडिया के अंदर मैच हो चाहे इंडिया से बाहर मैच हो, 6 मैच के अंदर 9 विकेट निकाले अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, ग्राउंड पर अभी तक कोई मैच नहीं खेले, रिसेंट फॉर्म आपको बहुत ज्यादा शानदार देखने को मिल जाएंगे, पिछले 10 ओडीआई मैचेस के अंदर 8 बार ड्रीम टीम का हिस्सा रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, स्पेशली इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करे, पिच पे ग्रास होता है, मॉइस्चर होता है, उस कंडीशन में एक आपके लिए डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन भी बन सकते हैं। कुलदीप यादव 16 मैचेस के अंदर 26 विकेट निकाले, हेड टू हेड के अंदर ग्राउंड पर नहीं खेले, करियर एवरेज काफ़ी शानदार है, रिसेंट फॉर्म भी मैं कहूँगा कि ठीक ठाक है, 50-50 है, या तो ये खेलेंगे या फिर अक्षर पटेल खेलेंगे, देखते हैं किसको मौका मिलता है।
मुकेश कुमार, मुकेश कुमार की अगर हम बात करूँ तो फ्रेंड्स इनका डेब्यू हो सकता है, लेकिन चांसेस फर्स्ट मैच के अंदर थोड़े कम लग रहे हैं। हो सकता है कि इनको सेकंड मैच या फिर थर्ड मैच के अंदर मौका मिले। बाकी आप इनके रीसेंट परफॉर्मेंस आईपीएल का देख सकते हो। लिस्ट एक करियर की बात करें तो 24 मैचेस के अंदर इन्होंने 26 विकेट निकाले। उमरान मलिक ओडीआई करियर के अंदर 8 मैच के अंदर 13 विकेट्स निकाले। रीसेंट फॉर्म बहुत ज़्यादा इनके खराब थे आईपीएल के अंदर, आपने देखा होगा। स्पीड तो है बट वो लाइन लेंथ के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ रहा था। जैदे उनादकट मोस्ट प्रोबेबली आपको खेलते हुए नजर आएंगे। उमरान मलिक और मुकेश कुमार के कंपैरिजन में इनके खेलने की पॉसिबिलिटी इस मुकाबले के अंदर हाई है। हेड टू हेड के अंदर एक मैच खेले बट विकेट लेस रहे, ग्राउंड पर अभी तक कोई मैच नहीं खेले हैं। करियर के अंदर अपने टोटल इन्होंने 7 ओडीआई मैचेस खेले, 8 विकेट्स निकाले। जो टेस्ट सीरीज चल रहा था वहां पर भी फ्रेंड्स ज्यादा कुछ प्रभावित ये नहीं कर पाए थे। हालांकि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट था वहां पर तो लगातार फ्रेंड्स विकेट निकाल करके आ रहे थे। देख सकते हो 6 विकेट, 8 विकेट्स हर इनिंग के अंदर विकेट निकाल रहे थे। बट इंटरनेशनल लेवल पे अभी तक जयदेव उनादकट उतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए। डोमेस्टिक सर्किट में रिकॉर्ड बहुत डिसेंट है बट इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस उतना ज्यादा खास इनका नहीं रहा है अभी तक। फिलहाल के लिए मेरा डेमो टीम है बट मेरा फाइनल टीम बिल्कुल भी नहीं है। जो भी मेरा फाइनल ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग का टीमों का टॉस एंड लाइनअप्स के बाद आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, जरूर से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। विकेट कीपिंग सेक्शन से ट्राई करके चल रहा हूँ शाई होप को। बैटिंग सेक्शन से कैप्टन है मेरे विराट कोहली, वाइस कैप्टन है रोहित शर्मा, शुभमन गिल को मैंने पिक किया है। ऑलराउंडर सेक्शन से हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा एंड काइल मेयर्स को प्रेफर करके चल रहा हूँ। बॉलिंग सेक्शन से अल्जेरी जोसेफ, मोहम्मद सिराज, यूजी चहल एंड गुडाकेश मोती को मैंने प्रेफर किया है। सेम टीम फ्रेंड्स आप लोग ओल्ड फैंटेसी रूल जहां पर एग्जिस्ट करता है वहां पर भी आप यूज कर सकते हो। 7-4 का मैंने कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में है।